जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। भाद्रपद अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि को मध्य रात्रि को मथुरा नगरी में कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। वे देवकी और वासुदेव जी के 8वीं संतान थे। कंस के कारागृह से उन्हें वासुदेव जी भारी बरसात में यमुना पार करके अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा जी के घर ले गए। गोकुल वासियों को कान्हा ने अपनी बाल लीला से मंत्रमुग्ध कर दिया। कृष्ण बाल लीला यशोदा हरिपाल ने झुलावे। गोप गोपियों के साथ खेलना, यमुना किनारे गैया चराना, मधुर बांसुरी बजाना, यह इनका रोज का काम। अपनी बाल लीला करते करते बिल्कुल सहज ही जहाँ एक और बकासुर और पुतना जैसे खतरनाक राक्षसों का संहार किया, वही दूसरी ओर कालिया नाग जैसे विशाल काय नाग को भी सबक सिखाया। तरुणावस्था में ही उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कंस के काल कोठरी से मुक्ति दिलाई। कौरव पांडव के युद्ध में उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर सारे संसार को अमृत रसपान करवाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म पर हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ता ही चला जाता है, तब किसी न किसी रूप में अधर्मियों और पापियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगो युगो तक जन्म लेता रहूँगा। आप सभी को मेरी ओर से जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।